क्यों रे, पूरे घर में खोज के आ गई, यहां बैठा है आराम से। खिड़की खोलू? ये लो, क्या हुआ है? नींद आ रही है? कम से कम 40 मिनट नीचे घुमा के वॉक करा के लाई हूं, अब सो जाएगा ये। चलो चलो सोने, चलो चलो एस्ट्रो, चलो सोने, चलो चलो। चलो के नाम से एकदम सही है, चले। अभी तो कितना घूम के आया, कितनी नींद आ रही है इसको। हाँ, अब आराम से सोने की तैयारी है। जैसे ही कोई त्योहार आने वाला होता है तो हम लग जाते हैं त्योहार से पहले वाली प्रिपरेशन में, फिर चाहे वो किचन से रिलेटेड हो या डेकोरेशन हो या बहुत सारी और भी तैयारियां करनी होती हैं। तो स्टोरेज अगर बोला जाए तो मठरी बना के रखना, नमकीन बना के रखना, कचौरियाँ बना के रखना, ये हमारे सारे ही घर में होता है त्यौहार आने से पहले। तो आज आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही इजी वे में क्विक एकदम डेजर्ट रेसिपी। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए या फिर त्यौहार ही है तो आप अपने फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। और बस ये सुबह का ही समय है और यहाँ लग गई हूँ नहाने जाने से पहले जो मेरा काम रहता है उसमें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज़ रचना। आई अपलोड हेयर एवरीडे अबाउट होम मेकिंग एंड माय लाइफस्टाइल टू। इफ़ यू लाइक सच कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। और आज दिन है मंगलवार एंड ये ब्लॉग कल का ही है, यानी कि सोमवार का। तो बस यहाँ सुबह से उठ के मैंने बहुत सारे काम कर लिए, जैसे कि हमेशा ही करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह काम भी ज़्यादा रहता है और नहाने जाने से पहले सब कुछ जैसे प्रिपरेशन कर लो। अब बादाम छीलना है, अखरोट छीलना है, या मंदिर के सामने पोछा झाड़ू कुछ करना है, और एक्स्ट्रा अगर कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो गए हों तो उनको भी वॉशिंग मशीन में लगा के अपने नहाने चली जाती हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे काम रहते हैं। कुछ कपड़े अगर तय बनाने के रखे रहते हैं तो वो भी कर जाती हूँ। तो वो क्या है कि नहाने जाने से पहले बहुत सारा काम जो बोलती हूँ मैं अक्सर के निपटा के मैं नहाने गई थी, तो हाँ जी इतना सारा काम मैं करके ही जाती हूँ। और यहाँ सारा काम हो गया था और ये आंचल का रोज़ का है कि नींद में से वो 4 से 5 बार आवाज़ देती है कुछ कुछ देर के गैप में कि एस्ट्रो कहाँ है। उसको ये डर लगा रहता है कि अगर गेट खोला है किसी ने तो एस्ट्रो बाहर तो नहीं निकल गया। तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी इस चीज़ के बारे में वो फील करती है। बस मैं यहाँ आके इसको यही बोल रही हूँ कि बेटा चीची के पास जाके सो जा, यहाँ गर्मी में क्यों सो रहा है। सो मैं ले जाने लगी तो घुर्रा रहा था मेरे ऊपर। तो ये तो मनमौजी है, अपने मन का राजा है, इसका जहाँ इच्छा होता है, जहाँ मन करता है वहीं सोता है ये। चलो चलो चल चलो चलो चीची के पास सोएंगे। चलो यहाँ खिड़की में गर्मी नहीं लग रही है। चलो 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 चलो। देखो मैं तो तुझे गोद में नहीं उठा पाऊंगी, चल आ जा। बहुत अच्छा लड़का है, ये लो सो ही रहा है, पूरा नींद आ गई है उसको।
सो नहाते वक्त कुछ कपड़े भी धो लिए थे, वो भी सुखाना हो गया। और चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और हमेशा की तरह बस अपने घर के मंदिर में गई हूँ। और कमेंट सेक्शन में 2 से 3 दिन पहले आया था मेरे किसी सब्सक्राइबर ने ही ये मुझसे पूछा है कि आप क्या छिड़कती हैं मंदिर में, आप पूरे घर में घूम के क्या छिड़कती हैं। तो डियर, मैंने ये चीज़ बहुत बार बताई है और आज फिर से मैं डिटेल में बता रही हूँ कि ये गंगा जल है और जिससे मैं छिड़क रही हूँ इसको मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट दोनों में ही ये अवेलेबल रहता है, इसको बोलते हैं गंगा जल स्प्रिंकल। तो ईज़िली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, इसी में मैं भर के रखती हूँ। और पूरे घर में वॉशरूम को छोड़ के, यानी कि बाथरूम को छोड़ के, आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। सबसे पहले मंदिर में कीजिए, उसके बाद आप चालू कीजिए घर में गंगा जल का छिड़काव करना। और मेन द्वार को बिल्कुल भी मत भूलिए, चौखट पे छिड़किए और बाहर जाके अंदर की तरफ गंगा जल का छिड़काव कीजिए। बहुत अच्छा होता है घर के लिए। जो मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ इनको, इन बातों को मैं मानती हूँ, विश्वास रखती हूँ। बस पूरा मंदिर रेडी करके मैंने की थी यहाँ पे आरती। तो आई होप कि आप अच्छी तरीके से समझ पाए हैं, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ। तो मैं करती हूँ गंगा जल का छिड़काव और बस यहाँ पूजा होने के बाद में फिर बस मुझे तैयारी करनी थी कि मुझे होली स्पेशल डेजर्ट बनाना है। तो एकदम क्विक वाले डेजर्ट हैं, तो खाने में तो बना लिया था, वही नॉर्मल सा खाना डेली हमारे यहाँ बनता है, दाल चावल है, सब्जी रोटी है, कभी पनीर की बन गई तो कभी कुछ साग बन गया, भुजिया बन गई। तो खाना मैंने आज ऐसा कुछ शेयर नहीं किया है, बट हाँ डेजर्ट शेयर किए हैं जिसको आप फेस्टिवल में और कोई घर में गेस्ट आ जाए तो फटाफट बना सकते हैं। सो बस यहाँ पूजा करने के बाद सबसे पहले चढ़ाई है मैंने चाय। सो यहाँ बना रही हूँ अपने स्टाइल वाली चाय, आप लोगों को बहुत पसंद है। सो दूध में आ गया है बॉयल और इसमें मैं लौंग, इलायची और अदरक डाल के 30-40 सेकेंड इसको मैं पकाती हूँ। उसके बाद मैं चाय पत्ती डालती हूँ और चाय पत्ती मैं टाटा टी गोल्ड यूज़ करती हूँ। तो बस इसको कम से कम चाय पत्ती डालने के बाद मैं 3 से 4 मिनट चाय को अच्छी तरीके से पका लेती हूँ। बस उसके बाद में चाय आराम से इंजॉय करते हैं, बड़ी बढ़िया सी बनती है। और यहाँ नाश्ता कर चुकी हूँ, चाय पी चुकी हूँ, बस ये खाने में बना ली थी, एकदम ज़रा सी बनाई थी चाउमीन, क्योंकि डेजर्ट वगैरह बनाना था। और अब देखिए, इसके बाद मुझे बनाना था दाल चावल भुजिया वगैरह, तो उसके लिए चावल वगैरह भी सब रेडी करके रखे थे। बट क्या मतलब, बोलते हैं ना कि नसीब ख़राब, जैसे ही चाउमीन बन के मतलब मैंने ढक्कन लगाया है और दूध को मैंने रबड़ी के लिए चढ़ाया है बॉयल करने के लिए, बॉयल आया है, गैस ख़त्म। तो एक्स्ट्रा सिलेंडर था मेरे पास में, बट वो रेगुलेटर ने ऐसा कमाल दिखा दिया कि वो किसी कीमत पे लग नहीं रहा था। और जब गैस की बात आ जाती है, सिलेंडर की बात आ जाती है, तो मैं मतलब ज़बरदस्ती उसमें नहीं कर रही थी कुछ भी, कि अगर टाइट है ज़बरदस्ती करूँ तो लीक कर जाए तो और लो, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया। फिर मम्मी ने गैस वाले को कॉल किया है, तब वो आए हैं 2 घंटे के बाद, तब जाके कहीं मैंने चढ़ाया है यहाँ पे। सो बस यहाँ हल्का सा पानी मैंने डाला है कढ़ाई में, ताकि दूध नीचे जो तले में लगने लगता है, जलने लगता है, वो बिल्कुल नहीं जलेगा। तो एकदम 2-3 चम्मच पानी डाल दीजिए, उसके बाद में दूध डाल दीजिए। तो यहाँ अगर आपके पास में अमूल गोल्ड हो या फुल फैट मिल्क हो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास अमूल ताज़ा था तो 1 लीटर का ही दूध लिया। ये गैस हो गया था ख़त्म, तो मैंने सोचा कि सिलेंडर चेंज करूँ, उससे पहले यहाँ झाड़ू वगैरह लगा के और कूड़ा निकाल देती हूँ, कचरा निकाल के पूरा साबुन से घिस घिस के मैंने क्लीन किया है। तब 2 घंटे के बाद में ये भैया आए हैं, मैं परेशान हो गई बिल्कुल रेगुलेटर सेट करते करते। तो 2 घंटे मतलब ऐसे ही बेकार चले गए एकदम, वरना कितना काम हो जाता। 10 मिनट वाली मिठाइयाँ थी, एकदम इंस्टेंट वाली। तो ये भैया ने बताया और लगा तो मैं लेती हूँ, बट रेगुलेटर में ही कुछ प्रॉब्लम था। सो बस यहाँ हो गया था काम और ये खाली वाला सिलेंडर इनको दिया, तो लगे हाथ ये भरा हुआ भी लेकर के आए हैं। सो यहाँ लग गया था सिलेंडर, उसके बाद में फिर मैं लगी हूँ किचन में। तो आप समझ लो कि 3 तो ऐसे ही बच गए थे, और वरना कब का मेरा काम हो जाता। तो मैंने तो सोचा कि चलो भाई, ज़बरदस्ती सिलेंडर को, रेगुलेटर को लगाने से अच्छा है कि थोड़ी देर मतलब वेट कर लो, वो अच्छा है। कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली,
तो गैस के सिलेंडर के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं चाहिए, वरना तो फिर गए समझ लो। तो वेट कर लो, वो अच्छा है। तो एक तरफ तो दूध चढ़ा दिया था और मलाई जितनी भी आ रही है उसको साइड में लगाते जाइए। और यहाँ पर एक कटोरी मैंने पानी लिया है, डेढ़ कटोरी आप समझ लीजिए, और पौना कटोरी मैंने चीनी ली है, उससे 25% कम ली है। तो बस खाली बॉयल आ गया है और एक मिनट के लिए और पका लीजिए, बस उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया। किसी तार की चाशनी नहीं बनानी है इसमें। और इसको पकाते हुए मैंने मलाई को साइड में स्टोर कर लिया। अब यहीं पे अगर फुल फैट मिल्क होगा, अमूल गोल्ड होगा, तो फिर मलाई और भी ज़्यादा होगी। डाल रही हूँ यहाँ पे 2 चम्मच, काफ़ी आधा एकदम रिड्यूस हो गया, उससे भी ज़्यादा दूध। तो 2.5 चम्मच तकरीबन, 2 नहीं 2.5 चम्मच के करीब मैंने डाला है मिल्क पाउडर। इससे थिकनेस जल्दी आएगी, गाढ़ा जल्दी होगा और टेस्ट भी अच्छा होगा। थोड़ा सा मैंने डाला है इलायची का पाउडर। देखिए इलायची का पाउडर करके रखने से कितना इजी है, कूटना नहीं पड़ता है एट अ टाइम। और बस उसके बाद भी मैंने इसको पकाया है। और इससे पहले मैं केसर डाल चुकी थी, शूट मिस हो गया है, बस थोड़ा केसर का कलर आ गया है। उसके बाद मैंने सिर्फ 2 छोटे चम्मच चीनी डाली है, क्योंकि मिल्क पाउडर से भी हल्की मिठास होगी। और मीठा बना रहे हैं तो उसको लिमिटेड वे में बनाएंगे, जैसे हल्का मीठा रहेगा तो सबको खाने में अच्छा लगता है। लेट इतना हो गया कि सिलेंडर के चक्कर में कम से कम 2-2.25 घंटे चले गए, वरना कब का हो जाता। एकदम इंस्टेंट वाली मिठाइयां है ये, त्योहार में या गेस्ट आ जाए आपके घर में 10 मिनट में बनने वाली मिठाइयां हैं। इसके बाद जो रेसिपी दूंगी वो तो 3-4 मिनट में बन जाती है, तो इजी है, मगर वो सिलेंडर के चक्कर में रह गए। और उसमें जबरदस्ती अगर नॉब को मैं टाइट करके घुमा रही हूँ तो उसमें से सी करके आवाज आ रही है, तो मैंने सोचा कि आज तो गए, तो इसलिए फिर रिस्क नहीं लिया, फिर गैस वाले के आने का वेट किया। सो यहाँ देखिए ये 2-in-1 का काम करेगी। एक तो ये रबड़ी अपने आप में ही बहुत ही बेहतरीन डेजर्ट होता है, और मैंने बनाया है शाही टुकड़ा, माय वर्जन ऑफ शाही टुकड़ा, तो ये उसमें भी काम आ रहा है। सो अगर आप देखें तो 3 रेसिपी मैंने आपके साथ इस व्लॉग में डेजर्ट की शेयर की है। जिस दिन आपको सिर्फ रबड़ी बनाने का मन करे तो सिर्फ इस तरीके से रबड़ी भी आप बना सकते हैं। और देखिए अब काफ़ी रिड्यूस हो गया है, यानी कि 100 में से 75% दूध रिड्यूस होकर गाढ़ा हो गया है। तो बगल में जो भी मलाई लगा रहे थे उसको पूरी अच्छे से खुरच के उसी में डाल दीजिए, और डालने के बाद में जब ये हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए रबड़ी, तब इसको उठा के रख दीजिए फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, जब तक और भी प्रिपरेशन जो होती है वो हो जाएगी। और यहाँ मैंने ली है 4 पीस ब्रेड, तो अगर आप ब्राउन ब्रेड यूज़ करते हैं तो इसमें वो भी आप डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो साइड हैं उसको कट करके निकाल रही हूँ, और इसको फेंकिएगा मत, इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस के एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। तो कोई भी ब्रेड पकोड़ा हो, कटलेट्स हो, उसमें आप कोटिंग करके बना सकते हैं, किसी पकोड़े के उसमें बैटर में भी डाल के बना सकते हैं, काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। और यहाँ पे ले लिया है थोड़ा काजू बादाम, दोनों ही डेजर्ट के लिए, तो मैंने इसको चॉपर में ही कर लिया है। तो बस ये इसी तरीके के मुझे चाहिए, तो इजी है ना, इतनी मतलब हाथ से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए ये उतार दी है मैंने, फ़िलहाल इसमें से धुआं निकल रहा है, तो फ़िलहाल इसको मैंने हटा के साइड में रखा था क्योंकि अभी गर्म है, हल्का रूम टेम्परेचर पर आ गई थी रबड़ी, उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में लगा दिया था। और मुझे जितने भी ड्राई फ्रूट डालने थे बस ऊपर से डाल के मैंने मिक्स कर दिए। और यहाँ चढ़ाया है फ्राई पैन, तो इसमें रिफाइंड डाला है और 2-3 चम्मच घी का मैंने डाला है, इसमें फ्राई करूँगी ब्रेड को। तो एकदम ही स्लो गैस पर कीजिएगा या मीडियम पर, बट इसको छोड़ के आप हटिएगा मत, क्योंकि ब्रेड जो है वो बहुत जल्दी ही क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाती है, और अगर लेट करेंगे तो 100% ये जलती ही जलती है। तो बस इसको उलट पलट करके एकदम गोल्डन ब्राउन इस तरीके से सेक लीजिए, और उसके बाद में जो चाशनी बनाई है फिर बताती हूँ कि आपको उसमें क्या करना है। तो यहाँ 4 ब्रेड ली थी और मैंने ट्रायंगल में काटा है, तिकोना काटा है, तो 8 पीसेस हुए हैं।
सो जो चाशनी बनाई थी बस उसमें डिप करके सिर्फ निकाल रही हूँ, मतलब उसमें भिगो के मैं छोड़ नहीं रही हूँ, तुरंत ही निकालिए एकदम, क्योंकि जो रबड़ी है वो भी मीठी है तो लाइट मीठा ही रहेगा, वही ठीक रहेगा। और बस अब आपको करके दिखाती हूँ माय वर्जन ऑफ शाही टुकड़ा की प्लेटिंग। तो इस होली इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही क्विक रेसिपी है। और आप क्या कीजिएगा कि एक दिन पहले आप रबड़ी बना के रख लीजिए, तो रबड़ी तो आपकी 4 से 5 दिन ख़राब नहीं होने वाली है फ्रिज में, और बना बना के खाइए या तो रबड़ी खाइए। अब आप टेक्सचर देख सकते हैं, ज़बरदस्त रबड़ी बनी है, और अभी बात कर रही हूँ तो ख़त्म भी हो गई है खा के सब ख़त्म हो गई, क्योंकि बनी ही इतनी अच्छी थी। सो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो शाही टुकड़े की प्लेटिंग इज़ डन। तो जो थोड़े से काजू बादाम और पिस्ता मैंने बचा के रख लिए थे, तो उसी को ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। और पिस्ता से जब सजाएंगे आप तो देखने में और सुंदर लगता है, क्योंकि रबड़ी जो है वो लाइट येलो है और पिस्ता जैसे ग्रीन है, तो देखने में सुंदर लगता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। शाही टुकड़ा एक ऐसी रेसिपी है, एक ऐसा डेज़र्ट है जो हर घर में ही बनाया जाता है, बस सबका जो वेरिएशन है बस उसी में डिफरेंस होता है। सो यहाँ प्लेटिंग पूरी लग के डन है शाही टुकड़ा की। 10 मिनट रेसिपी, क्विक रेसिपी। अगर आप रबड़ी एक दिन पहले बना लेते हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा इस रेसिपी को बनने में नहीं लगेगा। और यहाँ आप तैयारी कर रही हूँ डेजर्ट नंबर 2, ब्रेड ड्राई फ्रूट लड्डू। तो यहाँ पे 1/2 कप के करीब मैंने दूध लिया है, बॉयल आ गया है, तो 4 ब्रेड का जो साइड है वो कट करके निकाल दिया था मैंने, और सबको मैश करके मैंने डाल दिया है। गैस बिल्कुल स्लो रहेगी, बस इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स किया है। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, तो 2 चम्मच के करीब मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास इस टाइम पर खोआ है, यानी कि बंगाली में खीर बोलते हैं उसको और मावा बोलते हैं उसको हिंदी में, है तो वो भी डाल सकते हैं मिल्क पाउडर को स्किप करके। सो 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है, और 2 छोटे चम्मच के करीब मैंने मिल्क मेड डाला है, कंडेंस्ड मिल्क। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है इसका। और मिक्स करके यहाँ पे 2 टीस्पून छोटे 2 चम्मच नारियल का पाउडर डाल रही हूँ, तो इसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। सो एक बढ़िया सा मैंने मिक्स दिया है इसमें, और जो मेवा वगैरह जो मैंने एक साथ ही कर लिया था चॉपर में, तो इसके लिए भी किया था, सो थोड़ा बचा लिया है मैंने, और बाकी का मैंने इसमें डाल दिया है, तो इसको भी डाल के मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। तो ये तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल मतलब 3 से 4 मिनट वाली रेसिपी है, सिर्फ मतलब दूध में बॉयल आने की देरी है। और सिर्फ एक छोटा सा चम्मच मैंने घी का डाला है, आप चाहें तो टोटली स्किप कर सकते हैं, बट टेस्ट अच्छा आएगा, बहुत ज़्यादा इसमें चिकनाई कुछ भी नहीं है। और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इलायची का पाउडर, दैट्स इट। लड्डू बनाने के लिए पूरी प्रिपरेशन हो गई है, देखिए बात करते करते ही। और गैस को अब मैंने कर दिया है बंद, बस इसको डाल दिया था मैंने प्लेट में, तो ये देखिए। और अगर ज़्यादा आपको जल्दी है तो 2 से 3 मिनट के लिए फ्रिज में लगा दीजिए, तो बस मुझे तो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हाथ में 1 या 2 बूंद मैं घी का डाल रही हूँ बस उससे, और लड्डू बांध लीजिए इसके, बड़े बढ़िया और एकदम मतलब लाइट मीठा और एकदम टेस्टी वाले लड्डू, तो है ना बिल्कुल इंस्टेंट वाले डेजर्ट ये सब। तो घर में गेस्ट आ जाए तो इन सब डेजर्ट से ज़्यादा अच्छा कुछ है ही नहीं। सो एक एक करके मैंने सारे ही लड्डू बना लिए थे, 6 या 7 कुछ इस तरीके से बने थे। फ़िलहाल जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 2 ये लड्डू 2 से 3 बचे हुए हैं, और शाही टुकड़ा तो कहाँ ही बचने वाला है, वो तो बना चटपट ख़त्म भी हो गया। बस सारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं, तो 1 बादाम में से यानी कि आलमंड में से मैंने 2 टुकड़े किए हैं और इस तरीके से सजावट कर दी है।
सो ये है ब्रेड ड्राई फ्रूट लड्डू की रेसिपी। कैसी लगी ये वाली रेसिपी आपको, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आज मैंने आपके साथ शेयर की अपनी कुछ होली की स्पेशल इंस्टेंट रेसिपी, आई होप आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।